शुरुआती दौर में सबसे पहले जब रूस हर तरफ आक्रमण कर रहा था और ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ भी कहीं भी उसका प्रहार आ सकता है, तब ये इलाका कुछ हद तक जद में आया था, लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ था। अब यहाँ के लोग जो है, अब इस शहर को इस हिसाब से समझिए कि ये पश्चिमी छोर पर है यूक्रेन के, और यहाँ पर जितने भी इलाके के लोग हैं वो सारे के सारे लवीव में पहुंचे हैं। आपको रात रात भर इस बर्फबारी के साथ रात रात भर खुले में रात गुजारते लोग नजर आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग। तो ये बहुत ज्यादा प्रहार देख रहा है जो कुछ चल रहा है उसका, उसी के साथ तैयारियां हो रही है। बहुत ऐतिहासिक शहर है चित्रा, इस वजह से इस तरह की जो मूर्तियां हैं इसके लिए जो लोग हैं यहाँ पर वो कैमोफ्लाज नेट्स बनाने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें ढका जा सके अगर रूस की तरफ से आक्रमण हो और प्रहार किया जाए यहाँ की संस्कृति पर। बिल्कुल संस्कृति पर प्रहार देख रहे हैं यहाँ के लोग, और इसीलिए गुस्सा आपको हर ओर दिख जाएगा। रूसी आक्रमण के लिए नारे यहाँ पर लिखे रहते हैं कि रूसी सैनिकों के लिए कि अपने घर की तरफ जाओ, अपने परिवार की चिंता करो, क्योंकि यहाँ पर अगर आए तो हम सड़कों पर खड़े रहेंगे अपनी रक्षा करने के लिए। यहाँ पर जो फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी जो कोई भी चीज बनाती थी चित्रा, वो सारी फैक्ट्रीज आज की तारीख में टैंक ट्रैप्स या फिर जो बैरिकेड्स ऐसे होते हैं जो आप दूसरे विश्व युद्ध के समय देख सकती थी, वो सारी चीजें वो यहाँ पर बना रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। यानी कामकाज रुका तो वो अपने देश की रक्षा के लिए लग गए। तो यहाँ की परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं, लेकिन मौसम जो है वो बद से बदतर यहाँ पर होता जा रहा है। पलायन की लंबी लाइनें, क्योंकि हम पैदल चलकर चित्रा दाखिल हुए यूक्रेन में, हमारे पास जो वीजा था उसे वहां पर चेक किया गया, आने वाला कोई नहीं था, आने वाले सिर्फ हम थे, मेरे कैमरा पर्सन मोहसिन और मैं, हम लोग सड़क के रास्ते यहां पर प्रवेश कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं कतारों को देख रही थी तो लंबी कतारें लोगों की, बच्चों की, जो पता नहीं कहां कहां से चल चल कर यहां पर पहुंचे थे, जो देखने में संपन्न जरूर लगते थे लेकिन आने वाले दिनों में क्या उनके साथ होने वाला था वो कोई नहीं जानता था। तो गीता मोहन और मैं श्वेता सिंह यहाँ पर इस समय लवीव में मौजूद हैं। ये यहाँ का ओल्ड सिटी स्क्वायर कहा जाता है और बहुत ही खूबसूरत आप हर तरफ देखिए, लेकिन अभी क्या है जितनी भी यहाँ पर मूर्तियां हैं सबको कवर किया जा रहा है। मतलब गीता, मुझे हमेशा मन करता था कि मैं यूरोप में बैकपैकिंग जाऊँ सिर्फ एक हैंडबैग लेकर और यूक्रेन देखूँ, यूक्रेन ही देखूँ यूरोप के एडिशन में, लेकिन हर जब यहाँ पर आ रही हूँ देखिए बर्फबारी हो रही है, बर्फ पड़ रही है यहाँ पर बहुत तेज, ठंड बहुत ज्यादा है, माइनस में लगातार यहाँ पर तापमान, लेकिन क्या स्थिति है, सिर्फ शरणार्थी आपको मतलब? बिल्कुल, रेफ्यूजीज है बहुत, बहुत सारे जो ईस्टर्न यूक्रेन से आ रहे हैं श्वेता, लेकिन बहुत सारे लवीव के भी है जो डरे हुए हैं क्योंकि पुतिन रुक नहीं रहा है, रूस का अग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी ईस्टर्न फ्रंट में है, नॉर्दर्न में पहुंच गया है और इनको लगता है कि लवीव में भी पहुंच गया है। दो देशों की लड़ाई होती है तो कौन सही है कौन गलत है नहीं होता, होता है वहाँ पर हर एक व्यक्ति का जीवन जो है वो पूरी तरीके से व्यर्थ होता रहता है। हम सड़क के रास्ते यहाँ पर पहुंचे, हम बॉर्डर को मतलब पैदल क्रॉस किया, ये तो एक बैग आप हमारी पीठ पर देख रहे हैं लेकिन बहुत बड़ा बैग, चूंकि आपको पता नहीं कितने दिन तक युद्ध क्षेत्र में रहेंगे, कपड़े नहीं लेकिन आप खाने पीने की चीजें अपने साथ रखते हैं, थोड़ा बहुत पानी जितना भी आप रख सकें, जो लेकर हम आ रहे थे वहां से, हम इकलौते थे जो इस तरफ पार कर रहे थे जी, गांव को देखते हुए लंबे लंबे क्यूज एंड लाइंस ऑफ गाड़ियों को देखते हुए, बसेस को देखते हुए, औरतें बच्चे चलते हुए, बहुत बुरा लगा। पलायन किसी को भी नहीं करना चाहिए लेकिन यहाँ पर करने को मजबूर हूँ। यहाँ की स्थिति हम आपको दिखा रहे थे लवीव से होते हुए, अब हम पूरे यूक्रेन की स्थिति आपको दिखाते चलेंगे। हमारा निशाना है कीव जो लगातार आक्रमण पे है। मैं कॉन्फ्लिक्ट कवर करती हूँ, मैं डिफेंस कवर करती हूँ, गीता फॉरेन अफेयर्स, मुझे नहीं लगता गीता से बेहतर रिपोर्टर इस समय कोई है, और हम कोशिश करेंगे कि चाहे देशों के रिश्ते हो या फिर वो हथियार वो सैनिक हो सड़क पर, हर एक पहलू आपके लिए हम अपनी रिपोर्टर्स डायरी की नज़र से लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ हमारी ये वीडियोज़ ज़रूर देखें।